करने लगे हैं होम रेमेडी के, ये बनता कैसे है सब। स्किन पे आज तक मैंने कुछ भी नहीं, लोशन भी इस वक्त नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल मेरी स्किन ना डल हुई है। ठीक भाई, मेकअप ना खराब हो। एक दुनिया है मचती, चल पड़ जांदा अख दी ओ खोरे किवें मारया कच पे आ पैर नी पैर कदा पिया सर जित लिया शहर सारा शहर मंगे खैर जदों कट दे आ पैर उच्ची सुन ते खड़ाक बलो से। Assalamualaikum everyone, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। तो आज की वीडियो में हम करने लगे हैं होम रेमेडी, एक वायरल हैक अप्लाई करने लगे हैं। एक कोरियन मास्क है जो हम सबसे पहले तो हम लोग वो तैयार करेंगे कि ये बनता कैसे है, सबसे पहले हम इस वीडियो में वो बताएंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ क्योंकि मैं ना अपनी स्किन पे आज तक मैंने कुछ भी नहीं लगाया, अभी भी मैंने स्किन पे कोई अप्लाई नहीं किया हुआ। इवन के मैंने वो होता है ना मॉइस्चराइजर प्राइमर मेकअप के लिए, उसके बाद मैंने लोशन भी इस वक्त नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल मेरी स्किन ना डल हुई है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना यार, छुट्टियां हैं तो इन छुट्टियों को एंजॉय किया जाए और अपने मुंह पे कुछ ना कुछ लगाया जाए। आप देखते हैं उसके रिएक्शंस कैसे होते हैं। कोई मैं ना वैसे डरती हूँ अपने मुंह पे कुछ लगाने से, क्योंकि ना मैंने आज तक कभी कुछ अप्लाई किया नहीं है, तो मुझे डर लगता है कहीं मेरी स्किन खराब ना हो जाए। अभी देखिए मेरी स्किन पे सिर्फ एक यहाँ छोटा सा एक पिंपल सा निकला है, बाकी मेरी स्किन बिल्कुल साफ है। आज ना हम जरा कोई अपने मुंह के ऊपर कुछ नया कुछ अप्लाई करते हैं, और अगर वो अच्छा गया तो फिर हम और भी रेमेडीज जो ना वो अप्लाई किया करेंगे। आज की जो हमारा आज की जो रेमेडी है ना वो बिल्कुल लाइट सी है, टोटल दो से तीन चीजें ऐसी डलती हैं जो हमें घर में भी ना नॉर्मल मिल जाती है नॉर्मल रूटीन में। तो आप लोगों ने भी मेरे साथ इस हैक को जरूर ट्राई करना है और फिर ना कमेंट्स में बताना है कि इकरा बेस्ट है, मतलब हमारी स्किन ना ग्लो कर गई है। तो अभी हम आपको भी दिखाते हैं बनाना। और दूसरी बात ये कि यार जल्दी से 5K कराओ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि 5K कराओगे तो हम आपकी मर्जी से कोई अच्छी सी सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ, मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। और मेरे घर में भी दो तीन लोग हैं जिन जो कह रहे हैं हम काले हो गए, हमें भी ये चीज अप्लाई करनी है। मजाक कर रही हूँ यार, वैसे ही तंग कर रही हूँ। वैसे ये रेमेडी जो है ना ये ग्लो स्किन के लिए है, बस मुझे तो यही पता चला है ग्लो स्किन के लिए, और आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। ये रेमेडी आप वो ही पता किस चीज़ के लिए और आप हमें नहीं, मैं बताती हूँ ये रेमेडी जो है ना वो ग्लो स्किन के लिए है, ब्राइट स्किन के लिए है, और जो डल स्किन हुई हुई है ना मतलब वो नहीं होगी। और मेरी स्किन इस वक्त मुझे लग रहा है बहुत डल है, मैं कोई चीज अप्लाई करने से भी डरती हूँ कि यार मेरी स्किन पे कोई रिएक्शन ना कर जाए, क्योंकि आज तक कभी लगाई नहीं है। तो ये पहली चीज है जो मुझे सिंपल से अच्छी लगी है, तो हम आपको दिखाते हैं अभी। ठीक है, चलो। तो गाइस जाने से पहले मैं आपको ये कह दूंगी कि सब्सक्राइब मस्त कर देना इस वीडियो पे। ठीक है, और एक और बात ये कि मैं आप जल्दी ही मेकअप ट्यूटोरियल्स की वीडियोस भी अपलोड करूंगी। उसके बाद हम हिजाब ट्यूटोरियल, मोस्ट रिक्वेस्टेड जो व्लॉग था कि आप लोग हिजाब ट्यूटोरियल डालें, तो उसको भी मैं करने लगी हूँ। बस मेरे पास टाइम नहीं टाइम में, इसलिए मैं हिजाब को भी रिकॉर्ड करूंगी, वो भी आपको दूंगी, क्योंकि बहुत सी लड़कियां कह रही थी कि यार आप लोग क्यों नहीं लगा रही, तो अभी हम उनके लिए भी लगाएंगे। तो हम अपनी रेमेडी की तरफ, तो गाइस मैंने सबसे पहले यहाँ पे ना 4 to 5 tablespoons यहाँ चावल रखे हैं, और इनको मैंने भिगो दिया अच्छे से, और अच्छे से आपने चावल पहले धो लेने हैं ताकि कोई गंद इसमें लगा हुआ है मतलब मिट्टी वगैरह वो साफ हो जाए, तो आपकी भी रेमेडी अच्छी सी बन सके। ये रखा हुआ है, इसके बाद बाकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने और क्या क्या ऐड करना है। यहाँ पर ना पानी बॉयल कर लिया, और अब हम इसमें जो चावल है ना ये मैंने पानी निकाल लिया, थोड़े से मैंने रखे हैं, अब हम इसको ना डालेंगे इसमें। तो गाइस हम अपनी रेमेडी की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ दिखाओ, मैंने ना सबसे पहले पानी बॉईल करने के लिए रखा है, जितने आपके चावल है ना आप उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी बॉईल करने के लिए रखें, और ये टोटल ना 3 to 4 spoons है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ज्यादा। अभी ये सिर्फ मैं अकेली होती तो मैं बहुत कम और करती, चावल मैंने ज्यादा रख दिया, 2 to 3 tablespoons रखती, लेकिन अब मेरे घर में और भी बहुत सारे लोग हैं इस मास्क को अप्लाई करने के लिए, इसलिए मैंने इसको इतना किया। हमारी रेमेडी तैयार हो रही है, इसको मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम मैं इस नाम में मुंह पे कुछ लगाऊंगी मेकअप के अलावा। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं, वैसे हमने इसे बॉईल करने के लग दिए, और हम इसे ना मतलब बहुत कम बॉईल करेंगे, मतलब 90% ज्यादा नहीं बॉईल करेंगे। आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी इस रेमेडी में कितने इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने राइस ले लेने हैं चावल, उसके बाद इसमें मिल्क यूज होगा, मिल्क की जगह आप योगर्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त मिल्क यूज करूंगी क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। और थर्ड हमारे पास हनी होगा यूज, तो बस सिर्फ 3 सिंपल, और ये घर में भी आपके पास डेली यूज में मिल्क भी होगा, चावल भी होंगे, हनी भी होगा, तो इसमें आपको बाहर से जाकर लेके नहीं कुछ आना पड़ेगा। तो मैंने कितनी जबरदस्त
रेमेडी अपने YouTube फैमिली के लिए लेकर आई हूँ। सही बोला है ना गाइस मैंने, ये बन रहा है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस हमारा पेस्ट कुछ ऐसा बने, बहुत अच्छा बन रहा है आज। बस इसमें ना हम थोड़ा सा और दूध डालेंगे ताकि थोड़ा और पतला हो जाए और हम इसको फेस पे लगा सकते। मैं थोड़ा सा और दूध डालती हूँ। देखो गाइस हमारा ना पेस्ट बहुत अच्छा बन गया और इतना काफी है ना, ये देखो। ये ठीक है। अब वो अब हम इसको अप्लाई करेंगे एक और। अब हम इसमें ना हनी डालेंगे। गाइस अब हम इसमें ना शहद ऐड करने लगे हैं, लास्ट हमारा स्टेप है बस एक। ठीक है इतना स्मूथ। तो गाइस हमारा ना फाइनल पेस्ट बन चुका है, देखो कितना प्यारा बन गया, ये सही मुंह पे लग भी जाएगा। चलो इसको ट्राई करते हैं। अब मैंने अपना थोड़ा गेटअप भी चेंज कर लिया, मैं स्कार्फ को इस तरह कर लिया क्योंकि जाहिर सी बात है मैं लगाऊंगी मेरा सारा ही जॉब भी खराब हो जाएगा। तो आप ऐसे ठीक है। ये कैप ना खराब हो जाए कहीं, पीछे की आवाजों को इग्नोर करना प्लीज। ठीक है इतना ही होता है। पर एक बात तो ये मास्क बहुत मजे का होना है, मुझे भी सीना होनी स्किन अच्छी अच्छी लगनी है आपकी। कैमरामैन मैं अपने हाथ पे भी लगा लेती हूँ यार, मेरे हाथों को क्या कसूर है, इनका भी ग्लो होना बनता है। और गाइस प्लीज दुआ करना कि रिजल्ट अच्छे आ जाए, इतनी मेहनत से बनाया। आपको पता है ये राइस मास्क बनाने में कितना टाइम लगा, एटलीस्ट 15 मिनट्स मुझे किचन में लगे। फेस वॉश कर लिया है तो मैं अभी बताती हूँ कि रिजल्ट्स कैसे हैं और प्रोसेस कितना लेंथी था। तो गाइस मैंने फाइनली जो अप्लाई किया था ना मास्क हाथ मुंह पे, तो वो मैंने उतार दिया, शुक्र है यार। इतना लेंथी प्रोसेस था, मुझे तो शायद ब्लॉग बनाना चाहिए था इस चीज़ का भी, कि अगर कोई स्किन केयर रूटीन आप कर रहे हो तो उसको वापस फिर करना कितना मुश्किल है। खैर देखो मेरी स्किन पे ग्लो भी आया और मुझे ना अपनी स्किन अब सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस हो रही है। मुझे ना अपनी स्किन अब सॉफ्ट 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 लग रही है क्योंकि पहले स्किन बहुत अजीब सी थी, बहुत रफ सी थी। तो मुझे तो यार ये वाला अप्लाई करके मास्क बहुत अच्छा लगा है। आप लोग भी इसको यूज़ करना और फिर बताना कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। हम चलते हैं अब कहाँ जाना है, अब तो बस ब्लॉग एंड करना है। तो गाइस आई होप सो आपको ये रेमेडी अच्छी लगी होगी, मेरा आज का ब्लॉग छोटा सा प्यारा था, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और 5K जल्दी से करा देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके गाइस अल्लाह हाफिज़।